नमस्कार प्रिय किसान साथियों, वंतिका टेक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि सबसे बढ़िया और बेहतरीन खरपतवार नियंत्रण किसान भाई लहसुन और प्याज की फसल के अंदर किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो भी दवाइयाँ हम बताएंगे ये सारी की सारी पोस्ट एमरजेंस खरपतवार नियंत्रण के लिए है। पोस्ट एमरजेंस खरपतवार नियंत्रण यानी कि कम से कम 2 से 4 पत्ते निकलने के बाद किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद तो आप कभी भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपने अगर प्री एमरजेंस के रूप में अगर पेंडामिथाइलिन यूज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन किसान भाइयों को पेंडामिथाइलिन के बारे में नहीं पता है या जिन किसान भाइयों को पेंडामिथाइलिन नहीं डाली है, वो किसान भाई इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसान भाइयों, लहसुन और प्याज की फसल के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले 3 सॉल्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और कौन से खरपतवार नियंत्रण के लिए हम इस सॉल्ट को डाल सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में कृषि से जुड़े अनेक प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। कमेंट करके किसान भाइयों जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और आपका कोई सुझाव या कोई प्रश्न है तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज खरपतवार नियंत्रण के बारे में, खासतौर पर प्याज और लहसुन की फसल के अंदर। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर जो हमारा टेक्निकल सॉल्ट है जो कि दवाइयों के अंदर पाया जाता है, वो होता है फिनोक्सा प्रोप पी इथाइल 9% ईसी। ये सोल्ट ज़्यादातर किसान भाइयों आपने जो दवाइयाँ आती है खासतौर पर उनके अंदर देखा होगा, जो सोयाबीन, धान, कपास और चने के अंदर फसलों के अंदर डाली जाती है। जी हाँ, वही सोल्ट की हम बात कर रहे हैं, वही सोल्ट जो कि किसान भाइयों को अनेक प्रकार की दवाइयों में मिलता है। जैसे कि किसान भाइयों को वाइप सुपर जो कि बायर कहती है, वो खासतौर पर किसान भाई सोयाबीन फसल के अंदर यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये सोल्ट मिलता है। किसान भाइयों, इस सोल्ट को आप प्याज की और लहसुन की फसल के अंदर डाल सकते हैं। ये खासतौर पर जंगली जई, जंगली धान, मकड़ा घास के नियंत्रण करने में सक्षम है। ये दूसरी कंपनियों का भी आता है किसान भाइयों, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडोसेल का क्विक सुपर, फिनोरिप्स, फिनोक्सा सुपर, फायर, बलवान के नाम से अलग अलग प्रोडक्ट का नाम से ये आता है। बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि किसान भाइयों, जो भी आप दवाई लें उसके अंदर ये सोल्ट होना बहुत ही आवश्यकता है, ताकि कि सभी प्रकार की जो संकरी पत्ती की जो घास है उसको नियंत्रण किया जा सके। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 300 से 500 ml एक एकड़ के अंदर किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। लगभग 10 दिन लगते हैं इसके रिजल्ट को आने में। ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों आप बायर का वाइप सुपर ही लें, आपको जो दूसरे प्रोडक्ट बताए हैं आप उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, या आपके एरिया के अंदर कोई भी दूसरी कंपनी का ये प्रोडक्ट आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये सोल्ट यही लेना है। अब बात करते हैं हम किसान भाइयों दूसरे नंबर पे। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर जो भी सोल्ट आता है उसका नाम है ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी। जी हाँ, ये एक ऐसा सोल्ट है जो कि लगभग बथुआ, जंगली जई, जंगली चौड़ाई जैसी खरपतवार होती है उनको नियंत्रण करने में सक्षम है। ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों कि आप जो पिछले वाला सोल्ट है वो डालें। ये अलग अलग सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, यानी कि हम चुने हुए घास के ऊपर इनको स्प्रे करते हैं तो हमें नियंत्रण करना होता है, ठीक है। तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से आते हैं, जैसे कि गोल, गलीगन, ऑक्सीसेल, रोल, ऑक्सी, विनाश, ओइस्टर के नाम से अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग कंपनियों के आते हैं। तो आप किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों 200 से 300 ml प्रति एकड़ के रूप में किसान भाई इसको डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि पहले नंबर पर कि कौन सा प्रोडक्ट आता है। पहले नंबर पर हमारा प्रोडक्ट आता है जी डेकेल, अडामा कंपनी का। ये इकलौती ऐसी दवाई है किसान भाइयों जो चौड़ी और संकरी पत्ती दोनों प्रकार की खरपतवार नियंत्रण को करने में सक्षम है, खास तौर पर जब हम इसको पोस्ट एमरजेंस के रूप में यूज़ करते हैं। किसान भाइयों, इसके अंदर 2 सोल्ट आते हैं, जैसे कि प्रोपाक्विजा फोप 5%, दूसरा आता है ऑक्सीफ्लोरोफेन 12%। प्रोपाक्विजा फोप 5% आपको एजिल के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अडामा कंपनी की आती है, उसको भी आप खरपतवार नियंत्रण के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो जैसे कि मकड़ा, जंगली जई, मुत्था घास को नियंत्रण करने में सक्षम रहती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है ऑक्सीफ्लोरोफेन, जो कि हमने दूसरे नंबर पर बताया है, वही ऑक्सीफ्लोरोफेन का सोल्ट इसके अंदर मिलता है। तो इसके अंदर से आप, यानी कि ये 2 सोल्ट आते हैं, तो या चौड़ी और संकरी पत्ती दोनों प्रकार की पत्तियों को जो कि खरपतवार होती है उसको नियंत्रण कर सकता है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो किसान भाइयों आप 150 से 200 ml कम से कम आपको इसके अंदर पानी के अंदर मिलाकर डालनी है। मात्रा की बात करें तो 300 ml
से 350 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। अगर 15 लीटर पानी की बात करें तो किसान भाइयों 30 ml आप डोज ले सकते हैं। ये थोड़ी सी महंगी पड़ेगी किसान भाइयों आपको, क्योंकि इसके अंदर 2 सोल्ट आते हैं जो कि चोरी और संकरी पत्ती को नियंत्रण करने के अंदर डाले जाते हैं। इसकी पैकिंग आती है लगभग 350-400 ml की, लगभग 800 रुपये के आसपास की। तो आप इनको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप किसान भाइयों आप एजिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अडामा कंपनी की ही है जो कि दूसरे प्रकार के खरपतवार को नियंत्रण करने में सक्षम है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि इसके अंदर आपको क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। किसान भाइयों कम से कम जो फसल है वो 20 दिन से ऊपर की होनी चाहिए, यानी कि 20 दिन से छोटी फसल के अंदर इसको ना डालें। फसल के अंदर कम से कम 3 से 4 पत्ती निकल गई हो उसके बाद ही इन खरपतवारों को डालें। उससे पहले डालेंगे तो आपको एक थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना हो सकती है, आपकी फसल को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा सबसे बेहतरीन पॉइंट जो कि है ज़मीन के अंदर उचित नमी होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर ज़मीन के अंदर नमी नहीं होगी तो किसान भाइयों बिल्कुल भी आपकी जो फसल है उसके अंदर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। तीसरा पॉइंट किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी कीटनाशक, फफूंदनाशक, पीजिया, टोनिक, NPK के साथ मिलाकर, किसी भी दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर इन खरपतवार नियंत्रण हर्बिसाइड्स को ना डालें। किसान भाइयों चौथा पॉइंट उचित डोज का ही प्रयोग करें और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये था आज का हमारा वीडियो। किसान भाइयों पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल करें। धन्यवाद।